अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 4 कनाल पर मुश्तमिल ब्रांड न्यू विक्टोरियन डिज़ाइन में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर जिसकी लोकेशन पैरागॉन सिटी लाहौर है। ये 4 कनाल का घर है। इसमें 2-2 कनाल के आपको 2 यूनिट्स मिल जाते हैं। अकोमोडेशन की बात करते चलें तो एक यूनिट में 8 मास्टर बेडरूम्स हैं, 3 टीवी लॉन्ज हैं और इसी तरह से 4 किचन्स हैं और दीगर कई आपको खसूसियात मिल जाती हैं। तो इसी तरह से 2 यूनिट्स में आपको टोटल 16 मास्टर बेडरूम्स मिल जाते हैं और फुली फर्निश ये घर है। फुल बेसमेंट के साथ आपको ये घर मिल जाता है। इस घर में काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, होम थिएटर है और दीगर कई आपको खसूसियात मिल जाती हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा ताकि आपके सामने सारी डिटेल्स बरवकत आती रहें। पैरागॉन सिटी लाहौर इसकी लोकेशन है और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आबादी है। बिजली, पानी, गैस तमाम तर यहाँ पे आपको कनेक्शंस इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं और जिनके भी नसीब में ये घर हो अल्लाह ताला उनके लिए बाइस रहमत, बाइस राहत, बाइस इज़्ज़त और बाइस बरकत बनाए। ये जी आपको फ्रंट एलिवेशन क्लोज करके दिखाते चलें। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे यूनिट्स हैं, दरमियान में आपको पार्टीशन मिल जाती हैं और दोनों जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम डिज़ाइन के ऊपर हैं, जैसा कि फ्रंट एलिवेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको आज की वीडियो में एक यूनिट डिटेल के साथ विज़िट करवाएंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। ये इसका गैराज है जिसमें तकरीबन 5 से 6 बड़ी गाड़ियां आप बिल्कुल आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। और ये दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये इंटरनल लॉन एरिया आ जाता है। इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लॉन्स काफ़ी खूबसूरत अंदाज के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये दूसरी साइड पर भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा आपको गैराज मिल जाता है। और ये अंदर वाली साइड से आपको फ्रंट एलिवेशन क्लोज करके दिखाते चलें। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये दोनों यूनिट्स के दरमियान में पार्टीशन है, दोनों यूनिट्स को आप अलग-अलग यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप दोनों घर नहीं लेना चाहते हैं, एक यूनिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, दरमियान में पार्टीशन हो सकती है। और अगर आप 2 भाई हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से लॉन की तरफ। यहाँ से भी आप खूबसूरत इंटरनल लॉन देख सकते हैं और ये जी डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत एंट्रेंस है। तो आइए जी आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। सबसे पहले आपको लॉबी ज़रा डिटेल के साथ दिखाते चलें। ये आप देख सकते हैं डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत लॉबी है और ये जी खूबसूरत फानूस है और इसी तरह से ये जी खूबसूरत स्टीयर डिज़ाइन है। पहले आपको ज़रा ओवरव्यू करवा देते हैं। ये जी ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ ही अगर आप देखते हैं तो ये जी डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग के बिल्कुल साथ किचन, किचन के साथ ही ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम और ये जी नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता, उसके साथ ही ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और इस साइड पे ये ग्राउंड फ्लोर का दूसरा मास्टर बेडरूम और ये नमाज़ के लिए बाकायदा जगह बनाई गई है। इस घर की जो सबसे ख़ास बात है वो यही है। और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं टीवी लॉन्ज एरिया है और डबल हाइट्स की खूबसूरत एंट्रेंस है। ये इस साइड से आप लॉबी का फुल व्यू देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग और डाइनिंग की तरफ। ये जी ड्राइंग रूम एरिया है। ड्राइंग रूम में ये ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ। ये जी ड्राइंग रूम का फुल व्यू। अच्छा, इस घर में जितना भी फर्नीचर है वो टोटली विंग चेयर का फर्नीचर है। बिल्कुल सामने जी खूबसूरत वॉल डिज़ाइन फायरप्लेस के साथ और ये इस साइड पे डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये जी ड्राइंग रूम में खूबसूरत सीटिंग आपको क्लोज करके दिखाते चले। ड्राइंग रूम में नीचे आप देख सकते हैं वुडन फ्लोर। ये जी खूबसूरत सीटिंग, ड्राइंग रूम में फायरप्लेस। आपको इस एंगल से भी व्यू कराते चलें। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया जिसका कनेक्शन किचन के साथ है, बाहरी लॉबी के साथ भी है। और ये जी ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम से चलते हैं आगे डाइनिंग की तरफ। ये जी डाइनिंग एरिया है। ये जी 12 बंदों की डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग का फुल व्यू, ऊपर ही आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ। डाइनिंग में नीचे खूबसूरत टाइल वॉक। ये जी ड्राइंग और डाइनिंग के इस साइड से फुल व्यू। ड्राइंग और डाइनिंग डिटेल के साथ विजिट कर चुके हैं, अब आपको लिए चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। ये बिल्कुल सामने नमाज के लिए जगह है, उसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी टीवी लॉन्च एरिया है। ये जी टीवी लॉन्च का फुल व्यू, बिल्कुल सामने विंडो, खूबसूरत वॉल डिज़ाइन, फायरप्लेस, एलसीडी पॉइंट और ये जी ऊपर सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ। जैसा कि आपको बताया कि इस घर में जो फर्नीचर है वो टोटली विंग चेयर का है और विंग चेयर को आप बखूबी जानते हैं, टोटली इनका सॉलिड फर्नीचर होता है। टीवी लॉन्च से चलते हैं बेडरूम की तरफ और ये जी नमाज के लिए बाकायदा जगह बनाई गई है, यहाँ पे आप जमात वगैरह भी करवा सकते हैं। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम, बेडरूम में ये ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ। ये जी ड्रेसिंग टेबल, उसके साथ ही सीटिंग, खूबसूरत बेड डिज़ाइन, अटैच वॉशरूम, ये साइड से आप सीटिंग देख सकते हैं। ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में शावर केबिन जो कि रेन शावर के साथ है। डबल आपको यहाँ पे बेसन एरिया मिल जाता है, बिल्कुल सामने जकूजी है और ये इस साइड पे ड्रेसिंग एरिया है। ये जी कमोड, ये शावर केबिन जो कि रेन शावर के साथ है, बेसन एरिया, ये जकूजी और ये जी ड्रेसिंग एरिया। वॉशरूम से चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में और बेडरूम से आपको लिए चलते हैं बाहर लॉबी एरिया में और यहाँ से आपको लिए चलते हैं किचन की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर किचन है, काफ़ी बड़ा वसी और कुशादा आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। किचन में डबल डोर फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, काफ़ी सारी आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। ये जी किचन में खूबसूरत ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये राइट साइड पे किचन के साथ ही आपको दूसरा सर्विस किचन मिल जाता है और ये दूसरी साइड पे किचन का कनेक्शन डाइनिंग के साथ है। ये जी किचन के साथ ही दूसरा सर्विस किचन, ये भी काफ़ी बड़ा आपको किचन मिल जाता है। और इसी तरीके से ये जी लॉन्ड्री एरिया है। किचन से चलते हैं बाहर फिर से बड़े किचन में और यहाँ से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे मास्टर बेडरूम में। ये जी लॉबी एरिया, यहाँ से आप नीचे बेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा मास्टर बेडरूम में भी ये खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल, बिल्कुल सामने जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन, विंडो, एलसीडी पॉइंट, अटैच वॉशरूम, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन, ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन और ये जी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में ये बेसिन एरिया, बिल्कुल सामने कमोड जो कि वॉल फिटेड है, शावर केबिन, रेन शावर के साथ और ये अलमारी इस बेडरूम के लिए। वॉशरूम से चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में, बेडरूम से चलते हैं बाहर लॉबी एरिया में। ग्राउंड फ्लोर डिटेल के साथ विजिट कर चुके हैं, अब आपको लिए चलते हैं नीचे बेसमेंट में जहाँ पे दो मास्टर बेडरूम्स हैं। काफ़ी बड़ा आपको किचन मिल जाता है और सबसे जो ख़ास बात है वो इस घर में आपको काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल मिल जाता है। टोटल एक यूनिट में 8 मास्टर बेडरूम्स हैं और दोनों यूनिट्स में तकरीबन 16 मास्टर बेडरूम्स बन जाते हैं। ये जी हम आगे नीचे बेसमेंट में, बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो 2 बेडरूम्स हैं और इसी तरीके से बेसमेंट को आप सेपरेट तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी टीवी लॉन्ज है और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी स्टोर रूम है और इसी तरह से इस साइड पर जी आप देख सकते हैं ये स्नोकर एरिया है, स्नोकर टेबल और ये पूरा आपको हॉल मिल जाता है। हॉल में ये जी स्विमिंग पूल है, बिल्कुल सामने किचन है। आपको डिटेल के साथ बेसमेंट भी दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी पाउडर रूम है, पाउडर रूम में शावर केबिन है, बेसिन एरिया है, कमोड है, वॉल फिटेड। इस साइड से आपको दिखाते चलें बाहर अगर आप देखते हैं तो ये बारबेक्यू पार्टी वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये खूबसूरत यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पार्टी वगैरह कर सकते हैं। ये जी हम अंदर वाली साइड पे आ गए, अंदर ये किचन है। अच्छा, ये जो बेसमेंट है इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये एक यूनिट की पार्टीशन है, ठीक है। यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्ज है और स्टोर रूम है और इसी तरीके से ये दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये कॉमन एरिया आ जाता है दरमियान में अगर आप ग्रीन बेल्ट देखते हैं तो ग्रीन बेल्ट के एक साइड पे एक यूनिट है, दूसरी साइड पे दूसरा यूनिट है, लेकिन ये जो दरमियान वाला हिस्सा है स्विमिंग पूल वाला और इसी तरीके से स्नोकर वाला, ये दोनों यूनिट्स के लिए कॉमन है। अगर आप अलहदा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये जी स्विमिंग पूल है, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल मिल जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल सामने होम थिएटर है, ये अगर आप होम थिएटर के तौर पे यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, स्टोर के लिए यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे डिटेल की तरफ। ये जी स्नूकर टेबल है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वॉल्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे वुड का काम किया गया है और यहाँ पे भी आपको बाकायदा सीटिंग मिल जाती हैं। क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आप आके देख सकते हैं, मौके पे भी विज़िट कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। ये जी टीवी लॉन्च एरिया है, ये टीवी लॉन्च के इस साइड से आपको फुल व्यू दिखाते चलें। सबसे पहले आपको स्टोर रूम दिखा देते हैं। ये जी स्टोर रूम है, काफ़ी सारे यहाँ पे आप सामान स्टोर कर सकते हैं। और से चलते हैं बाहर फिर से लॉन्ज में, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने सामने दो बेडरूम्स हैं और बेसमेंट को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सेपरेटली। इस एरिया का आपको फुल व्यू दिखाते चलें। तो आइए सबसे पहले आपको ये चलते हैं बेसमेंट के मास्टर बेडरूम में। ये जी बेड का फुल व्यू रूम में, ये जी खूबसूरत सीटिंग, अटैच वॉशरूम, ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन, बैक साइड पे खूबसूरत वॉल डिज़ाइन, ड्रेसिंग टेबल, और ये इस साइड पे आरसीडी पॉइंट, ये जी खूबसूरत वॉल डिज़ाइन। इस साइड से बेडरूम का फुल व्यू आप देख सकते हैं। ये जी बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ये ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी बड़ा आपको वॉशरूम मिल जाता है कि जुकूजी है, बिल्कुल सामने बेसन एरिया है, शावर केबन है, बेसन एरिया। ये जी कमोड जो कि वॉल फिटेड है, शावर केबन रेन शावर के साथ। वॉशरूम से चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम है, और बेडरूम से चलते हैं बाहर टीवी लॉन्ज एरिया में, और यहाँ से आपको लिए चलते हैं बेसमेंट के दूसरे मास्टर बेडरूम में। ये जी बेसमेंट का दूसरा मास्टर बेडरूम है। जैसा कि आपको बताया कि टोटल एक यूनिट में 8 बेडरूम्स हैं। ये जी बेडरूम में खूबसूरत सीटिंग, इस साइड से आपको फुल व्यू दिखाते चले। ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन, ये जी बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में बेसन एरिया, और ये जी कमोड जो कि वॉल फिटेड है, शावर केबन, और ये इस साइड पे अलमारी। वॉशरूम से चलते हैं बाहर बेडरूम में, और बेडरूम से चलते हैं बाहर टीवी लॉन्ज एरिया में, और यहाँ से आपको लिए चलते हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से आपको लिए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर का डिटेल के साथ विज़िट कर चुके हैं, बेसमेंट भी आपको डिटेल के साथ विज़िट करवा दिया है। अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये जी हम आगे ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, ये जी हम आगे ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट डिटेल के साथ विज़िट कर चुके हैं। अब आपको लिए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे 4 मास्टर बेडरूम्स हैं। काफ़ी बड़ा आपको किचन मिल जाता है, 2 टेरेस हैं, डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत लॉबी है, और टीवी लॉन्ज आपको मिल जाता है। ये जी हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर ज़रा आपको डिटेल के साथ दिखाते चलें। ये स्टेयर्स के बिल्कुल साथ ही टीवी लॉन्ज है, और इसी तरह से ये जी 2 बेडरूम्स हैं, दरमियान में डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत लॉबी आ जाती है, और इसी तरीके से इस साइड पे किचन है, और ये जी बाकी 2 बेडरूम्स हैं, और ये दरमियान में डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत लॉबी है। सबसे पहले आपको डबल हाइट्स लॉबी का फुल व्यू कराते चलें। ये जी डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत लॉबी है, डबल फानूस के साथ, और नीचे आप लॉबी एरिया देख सकते हैं। और आइए चलते हैं आगे टीवी लॉन्ज की तरफ। ये जी टीवी लॉन्ज एरिया है। लॉन्ज के जो कनेक्शन है वो टेरेस के साथ है, बिल्कुल सामने जी खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है, फायरप्लेस के साथ, और ये इस साइड पे टीवी लॉन्च की खूबसूरत सीटिंग, एक्सरी पॉइंट जी, टीवी लॉन्च का फुल व्यू। टीवी लॉन्च से चलते हैं आगे बेडरूम्स की तरफ। जो मास्टर बेडरूम है वो दूसरी साइड पे है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी ऊपर वाले पोर्शन का पहला बेडरूम में ये जी अटैच वॉशरूम, एक्सरी पॉइंट, खूबसूरत सीटिंग बिल्कुल सामने जी, खूबसूरत बेड डिज़ाइन, ड्रेसिंग टेबल। आपको बेडरूम दूसरी साइड से दिखाते चलें। ये जी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ये ड्रेसिंग एरिया, किचन एरिया और सामने शावर केबिन, रेन शावर के साथ। और ये साइड पे सीट, कमोड। चलते हैं फिर से बाहर बेडरूम में, बेडरूम से चलते हैं बाहर फिर से लॉबी एरिया में। और यहाँ से आपको दिखाते चलें ऊपर वाले पोर्शन का दूसरा मास्टर बेडरूम में। ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन, बिल्कुल सामने सीटिंग, ड्रेसिंग टेबल, एलसीडी पॉइंट और ये साइड पर अटैच वॉशरूम। कोई साइड से बेडरूम को फुल व्यू दिखाते चले जी, बेडरूम का अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में ये ड्रेसिंग एरिया, कमोड जो कि वॉल फिटेड है और ये जी बेसिन एरिया। ये जी शावर केबिन, रेन शावर के साथ जकूजी। बेडरूम से चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में और बेडरूम से चलते हैं आगे किचन और दो बेडरूम्स की तरफ। अच्छा, इस घर की जो लोकेशन है वो पैरागॉन सिटी लाहौर है। 2 कनाल का ये डुप्लेक्स हैं, 1 यूनिट 2 कनाल पर मुश्तमिल है और 1 यूनिट में 8 मास्टर बेडरूम्स हैं। टोटल इस घर में 16 मास्टर बेडरूम्स हैं और इस घर की जो प्राइस है दोनों यूनिट्स की वो 52 करोड़ है। 52 करोड़ इस घर की प्राइस है। 4 कनाल पर मुश्तमिल टोटल ये घर है। फुल बेसमेंट के साथ आपको ये घर मिल जाता है। घर में स्विमिंग पूल है, होम थिएटर के लिए ऑप्शन है और बाकायदा नमाज के लिए जगह बनाई गई है। अगर कहीं आपको खसूसियात मिल जाती हैं। 52 करोड़ इस घर की डिमांड है। आप हमारी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके विज़िट कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। रूम में ये जी ड्रेसिंग एरिया, खूबसूरत सीटिंग, अटैच वॉशरूम, खूबसूरत बेड डिज़ाइन, उसके साथ फिर से सीटिंग और ये साइड पर ड्रेसिंग टेबल जी। नीचे जर्मन वुडन फ्लोर जी, ड्रेसिंग, ये जी ड्रेसिंग एरिया है। चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम के मास्टर वॉशरूम में। उसमें ये जी कमोड, शावर केबिन, रेन शावर के साथ और ये जी बेसिन एरिया, जकूजी। उनसे चलते हैं बाहर बेडरूम में और बेडरूम से चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन के आखिरी मास्टर बेडरूम की तरफ। 52 करोड़ इस घर की प्राइस है। 4 कनाल पर मुश्तमिल ये घर है। इसके अलावा अगर आप अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन बहरिया टाउन लाहौर है। पास 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स भी हैं। 2.5 साल का प्लान है, 2 साल में आपको कब्जा मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। ये जो घर है ये इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं है, ये कैश पे है। 52 करोड़ इसकी प्राइस है जी। इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है। रूम में दोनों साइडों पे ड्रेसिंग एरिया, साइड पे भी आप देख सकते हैं केबन, रेन शावर के साथ, किचन एरिया, पॉट। चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से हम सब को अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी नेक दुआओं में हमेशा से याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।